हाथरस के थाना हाथर जंक्शन क्षेत्र के अलोरा चौराहे स्टेट दोपहर करीब 1:30 बजे महिला अपनी पुत्री के विद्यालय आर्यन अकेडमी हाथर जंक्शन में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम देखने गई थी। कार्यक्रम समापन होने के बाद पैदल अपने घर जा रही थी, तभी रास्ते में कैलोरा चौराहे के निकट एक ट्रक नो एंट्री में घुसकर टक्कर मार दी, जिसमें महिला के दोनों पैरों पर ट्रक का पहिया चढ़ गया, जिससे आशा देवी पत्नी राम कुमार घायल हो गई। घायल होते ट्रक चालक ट्रक को लेकर फरार होने लगा। मौके पर थाना जंक्शन पुलिस ने पीछा किया तो हाथरस जंक्शन पहुंचते चालक समेत ट्रक को पकड़ लिया। महिला के परिवारजनों ने व गांव के लोगों ने एकत्रित होकर सड़क जाम कर दिया। ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा। मौके पर सूचना पाते ही कोतवाली प्रभारी गिरीश चंद गौतम दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों व परिवारजनों को समझाने लगे। गुस्सा आए लोगों ने पुलिस से काफी नोकझोंक करनी पड़ी। पुलिस द्वारा समझा बुझाकर जाम को खुलवाया। लोगों द्वारा बताया जा रहा है महिला की हालत बड़ी ही नाजुक है, जिस महिला के दोनों पैर खराब हो गए। इसी बात को लेकर परिवारजन आक्रोशित हैं और चाहते हैं मुकदमा लिखा जाए, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई हो। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, साथ में ट्रक भी पकड़ लिया। महिला का इलाज अलीगढ़ चल रहा है, हालत अभी गंभीर बनी हुई है। हाथरस से धर्मेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट। क्या नाम बेटा तुम्हारा? अंकिता। कैसे, कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? मेरे स्कूल में फंक्शन था तो मेरी मैंने अपनी मम्मी को बुलाया था, तो फिर फंक्शन खत्म हो गया था तो हम घर जा रहे थे। किस विद्यालय में पढ़ते हो आप? आर्यन से गेट में। वहाँ से लौट करके ये पैदल जा रहे थे आप? मम्मी और चाची पैदल जा रहे थे और हम साइकिल से जा रहे थे। किस जगह पे घटना हुई थी? यहाँ चौराहे पे, कैलोरी चौराहे पे। किस से हुआ? ट्रक से हुआ है। क्या हुआ उनको, क्या लगी है, चोट लगी है, क्या हुआ? पूरे तक आई है चोट बहुत। तो जो ड्राइवर जो है, ट्रक ड्राइवर पकड़ लिया है मौके पे? क्या पता नहीं, तीनों ड्राइवर थाने में। और किसी के चोट आई थी क्या? मम्मी मम्मी के ही है। दोनों जने आप साथ में थे क्या? मैं और तो साइकिल पे, मम्मी और चाची एक संगी, और नो एंट्री पर ट्रक भेजा इनने।